हेलो मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2023 में आपकी लव लाइफ में जो भी बदलाव आते हैं उनको लेकर आपके एंजल एंसेस्टर आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी क्या सलाह है आपके लिए कि किस तरह आप इस रिश्ते से को बेहतर बना सकते हैं या आप इस रिश्ते को से बाहर निकल सकते हैं। वॉट एवर जो भी आपको जानना है, कुछ सेकंड के लिए आप अपने मन में वो सवाल कर सकते हैं जो भी आपका रिश्ता है उसको लेकर, और उनके जवाब आप इस वीडियो में सर्च कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि के लिए कि 2023 के लिए एंजल और एंसेस्टर उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहते हैं, उन्हें क्या समझाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है एंजल एंसेस्टर की तरफ से। मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है एंजल और एंसेस्टर की तरफ से। मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है उनकी लव लाइफ के लिए। मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है उनकी लव लाइफ के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी हम देखेंगे यहाँ पर, वाइस वन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। हो सकता है आपने ये क्वेश्चन किया हो कि इसका क्या जवाब रहेगा, तो मैं यहाँ कह पा रही हूँ कि आप जिस रिश्ते में हैं आपके मन को आपकी दिमाग को सब पता है कि क्या चल रहा है, ये रिश्ता आपसे कितना कितना आपके लिए सही है, ये कितना ट्रस्ट करने लायक है, ये रिश्ता आपको अपनी फ्यूचर के लिए क्या देने वाला है, तो ये आप सब जानते हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। और आप इस रिश्ते से बाहर भी निकलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग होने लग गई है, आपको ये चाहिए भी सही है और ये चीज़ें आप जो वो कर रहे हैं वो आपको पसंद भी नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है। और अगर सच में ऐसा है तो यहाँ पर आपको एंजल और एंसेस्टर क्या मैसेज दे रहे हैं, बी द लाइट, कुछ ऐसा बनिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने करियर को चूज करो, ये जो रिश्ता है उसको एक शाइन की जरूरत है, और वो शाइन तब होगी जब आप अपने करियर पाथ को चूज करेंगे, आप उस प्यार से ज्यादा पैसे को इंपॉर्टेंस देंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपके पार्टनर की डिमांड हो कि वो चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि अगर मेरे पास पैसा हुआ तो मेरा ये रिश्ता जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ मिल सकता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने करियर को पूरी तरह से अपनाओ, उस पर फोकस करो और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वो शाइन करे, आप इतना शाइन करें कि आपके जो पार्टनर है वो खुद आपके पास आए और कहे कि वो आपको चाहते हैं। आपकी आत्मा इस बात को जानती है। देखिए, वो कहा जा रहा है कि आपको ये मैसेजेस मिलते रहते हैं, इंट्यूटिवली आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, या फिर आपको कहते हैं ना कि सबकी एक स्पिरिट गाइड्स होती है जो समय समय पे उनको समझाती रहती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपके मन को पता है कि हाँ ये चीजें तो करनी है मुझे, और मुझे पता है कि ये मुझे अपनाना चाहिए। देखिए, वाइस वन कार्ड भी यहाँ पर ये ही कहता है कि पता है, दिमाग को पता है लेकिन मन कर नहीं रहा है। कहीं ना कहीं इंट्यूटिव मैसेजेस मिल रहे हैं लेकिन मन हमारा करने नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं हमारी जो डिजायर्स है। देखिए, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स, अगर कहीं ना कहीं आपका मन में फियर है किसी तरह का तो उसको निकालिए और अपने करियर पे फोकस करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज ये लव रीडिंग है तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको यहाँ पर चूज करना पड़े तो पहले अपनी इम्पोर्टेंस पैसे को दीजिए, उसको महत्व देंगे तो शायद जो एक शाइन, जो लाइट आपके पार्टनर आप में देखना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली उन्हें नजर आएगी। वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फील लव्ड एंड कम्फर्टेड, तो ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा स्वीट है। हो सकता है कि आप, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप हमेशा अपनी लाइफ में स्वीट ही रहते हैं सब लोगों के साथ, नहीं, आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा इमोशनली, इमोशंस के साथ आप जुड़े हुए हैं उनसे, बहुत ज्यादा आप उनके लिए इमोशनल हो जाते हैं और बहुत कनेक्टेड फील करते हैं कहीं ना कहीं। पर
मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, लेकिन कभी भी आप उन्हें कुछ भी गलत नहीं कहते हैं, कुछ भी उनके लिए गलत सोचते नहीं हैं। तो अगर ऐसी एनर्जी में सच में आप हैं, तो आप ऐसी एनर्जी में रहिए। बहुत ज्यादा इमोशंस अगर आपके उनको लेकर हैं तो आप रखिए, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा अगर आपकी मन में कोई बात चल रही है, आप उसको लेकर परेशान हैं, आप सोच रहे हैं बार बार उन बातों को, तो अपने माइंड को भी इतना स्ट्रेस में मत रखिए। देखिए यहाँ पे स्पेशली आपके लिए कहा जा रहा है कि अनलिश द वाइल्ड विद इन। अगर अपने अंदर किसी भी तरह का ऐसी चीज है, ऐसी बात है जो बहुत ही ज्यादा आपको इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है आपके पार्टनर से रिलेटेड, तो उनको इंस्टेंट बता दीजिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। बहुत ज्यादा अपने आप को हार्मफुल हार्म मत पहुंचाइए। ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। यस, कोई भी पर्सन यहाँ आपको आपके एंजल एंसेस्टर कहना चाहते हैं कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, अगर वो चाहता है कि वो आप उनकी लाइफ में रहो, तो वो अपने आप आपके टैलेंट को पहचानेंगे, वो समझेंगे, वो जानेंगे। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ एक मैसेज और मुझे मिल रहा है कि आप जितनी इम्पोर्टेंस अपने पार्टनर को दे रहे हो अपनी लाइफ में, लाइक बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के, बहुत ज़्यादा प्यार करके, बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देकर, तो उसके बजाय ये सारी चीज़ें अपने लिए करना स्टार्ट करें, सेल्फ लव करना स्टार्ट करें, अपने आप को वर्दी समझना स्टार्ट करें। आप समझे कि अगर आप है ना, इसीलिए वो पर्सन आपके साथ में है, आप में कुछ तो ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो है, तो अपने आप को अगर आप वर्थेबल समझेंगे, तभी आपका पार्टनर भी आपको रेस्पेक्ट देने वाला है। तो यहाँ स्पेशली आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लग रही है, तो उसी वक्त अपने पार्टनर से उस बारे में बात करें। अगर यहाँ पर ये देखा जा रहा है मुझे कि आपका पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकल अट्रैक्टेड है, तो और ये चीज़ आपको नहीं पसंद है, तो उसका भी ऑब्जेक्शन आपको उठाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये ही रिलेशनशिप में नहीं होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ भी, मैसेज भी मिल रहा है। सो प्यार अगर कोई आपसे करता है, तो वो आपसे सब तरह से प्यार करेगा। सो थोड़ा ये मैसेज आपको पता है, ये भी इंट्यूटिवली आपको सब कुछ पता है, यहाँ पर स्पेशली कहा जा रहा है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन 2023 में भी अगर ये ही चल रहा है, तो थोड़ा सोचने की आपको जरूरत है, और थोड़ा चेंज लाने की, थोड़ा बदलाव लाने की आपको अपने आप में जरूरत है। सेल्फ रेस्पेक्ट करें, सेल्फ लव करें, तो डेफिनेटली ये चीजों में आप बदलाव ला पाएंगे। चलिए देखते हैं एंजल एंसेस्टर आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। मेष राशि 2023 के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है मेष राशि। देखिए, मैं इतनी देर से आपको कह रही हूँ कि सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, अगेन यही कह रहा है कि अपनी वर्थ को पहचानो। आप में बहुत क्वालिटीज है, आप कुछ भी, आपको कोई भी मिल सकता है। अगर आपने अपनी ये जगह पहचान ली ना, तो आप बहुत ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस करना सीख जाएंगे। जितना आप आपके पार्टनर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अगर आप उतनी अपने आप को दे, तो आप बहुत कुछ अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। मेष राशि, आइसोलेशन, यस, चुप रहना सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप बहुत पेशेंसली उसके साथ बिहेव करते हैं, आप बहुत प्यार से बिहेव करते हैं, अगर आपके पार्टनर आपको कुछ भी कह रहा है, आप उसे सुनकर ले लेते हैं, आप कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं, आप सही समय का इंतजार करते हैं कि कोई बात नहीं, चीजें ठीक हो जाएगी, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता है। तो कभी हमें बोलना चाहिए, अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो उसे बोल कर बताओ। उसे अपना छुप जाना सॉल्यूशन नहीं होता है, चुप रहना सॉल्यूशन नहीं होता है। चलिए और देखते हैं मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है उनकी एंजल एंसेस्टर की तरफ से। डिस्पोंडेंस, ओके, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई भी चीज सही नहीं हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि बार बार सब चीजें मैस हो जाती है, अरे मैं इतनी कोशिश करता हूँ सब चीजें को ठीक करने की, फिर भी चीजें ठीक नहीं होती है, पार्टनर को अच्छी नहीं लगती है, और कुछ ऐसी बातें वो मुझे कह देते हैं जो मुझे सुनना भी अच्छा नहीं लगता है, और बार बार इसी बात का आप दुख बना रहे हैं, तो थोड़ा उस सिचुएशन से बाहर निकलिए। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ब्रेक देने की जरूरत है अपने आप को, और वो जो टाइम आपका आपको मिलेगा, अपने ब्रेक का जो टाइम आपको मिलेगा, उसमें आपको अपने आप से प्यार करने की जरूरत है, अपने आप को इस वर्थ तक पहुंचाने की जरूरत है। जैसा कि सबसे पहला कार्ड ये था कि अपनी लाइफ में पैसे को चुनो,
प्यार को नहीं पैसे को चुनो, अपने आप जो चेंजेस आप में आएंगे, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप कहेंगे कि वाह मेरी लाइफ ही बदल गई। सो यहाँ फिर से ये मैसेज दिया जा रहा है कि जिस दुख में आप हो, जिस बात को आप बार बार इंतजार कर रहे हो, लाइक ऐसा अगर होता है कि आप पूरा दिन किसी एक मैसेज का इंतजार करने में निकाल दिया और पूरा दिन आपने वेस्ट कर दिया, तो वो दिन वापस कभी नहीं आएगा। आपके पार्टनर का मैसेज तो कल भी आ सकता है, लेकिन अब वो दिन कभी नहीं आ सकता। तो वो जो आप मैस कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसको मैस को स्टॉप कर दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने उस सिचुएशन से बाहर निकलने लग गए, अगर आप इंतजार करने के बजाय आप दूसरों को इंतजार करवाने लग गए, तो आप देखेंगे आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। चलिए और देखते हैं 2023 के लिए क्या मैसेजेस है मेष राशि के लिए। अगर उस सिचुएशन की वजह से अगर आप अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, आप अगर अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे अगेन कहा जा रहा है कि जिनको आपकी जरूरत है उनको सपोर्ट करो, उनके साथ रहो। आपको ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना है जो आपकी वैल्यू ही नहीं कर पा रहे हैं। आप बार बार उनको फोर्स नहीं कर सकते कि मुझसे बात करो, मुझे मैसेज करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मुझे कहीं जाना है घूमने। आप बार बार किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर किसी को प्यार है तो वो अपने आप आएगा या आएगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपनी वैल्यू बढ़वाने की जरूरत है, और ग्रेटिट्यूड में रहिए। यूनिवर्स को ब्लेम मत करिए। अगर आप बार बार कंप्लेन कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो कि यूनिवर्स आपने मुझे ये नहीं दिया, अरे आपने मुझे मेरा ऐसा पार्टनर दिया है जो मेरी वैल्यू नहीं करता है, तो यूनिवर्स कहती है कि मैंने सबको सब चीजें बराबर दी है। आपको कैसे उस पर्सन से अपनी वैल्यू करवानी है वो आप ही को पता है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए, और अपनी वैल्यू करवाने के लिए थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस लाने की कोशिश करिए। ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए, थैंक यू करते रहिए, जो भी चाहिए उसके लिए आपको वो चीजें दुगनी तिगुनी होकर मिलती रहेगी। चलिए कुछ एंजल कार्ड्स और हम यहाँ लेंगे। एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं 2023 के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। सैक्रल चक्र जो कि रिलेशनशिप को ही दिखाता है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, चाहे कैसे भी आपके पार्टनर हो, आपको आपकी वैल्यू करवाने के लिए, उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए अपने आप को रेस्पेक्ट करना है। रेस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज बाय अवॉइडिंग हार्श आइटम सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप। कोई भी रिश्ता अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से ज्यादा नहीं है। जहां भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं, तो उनको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए और अपने लिए खुशियां चूज करिए, अच्छे पर्सन चूज करिए। थ्रॉट चक्र, यस, मन में कोई बात मत रखिए। यहाँ पर स्ट्रांगली कहा जा रहा है भाई, सुनकर मत लो, बोल कर बताओ कि क्या आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबको अपनी अपनी चॉइस से जीने का हक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ भी बात छुपाओ मत, झूठ मत बोलो, जो आप कहना चाहते हो वो दिल से कहो। अगर वो पर्सन आपसे प्यार करता है, तो वो आपकी लाइफ में रहने ही वाला है। इंडिगो कलर, इंडिगो कलर अगेन ये कहता है कि ग्रेटिट्यूड में रहिए, ग्रेटिट्यूड देते रहिए, भगवान से कंप्लेन मत करिए। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, जैसा कि मैं फर्स्ट कार्ड से ही बता रही हूँ कि आपको सब पता है आपके मन में कि क्या चीजें हैं, क्या सिचुएशन है। उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, आप देखेंगे कि आप में बहुत बदलाव आ गए हैं। विजुलाइज सक्सेस, अगर आप चाहते हैं आपका प्यार आपको मिले, तो आप अफर्मेशंस दे सकते हैं। आई एम अ, जैसे हम बोलते हैं मनी मैग्नेट, तो उसकी जगह आप बोल सकते हो आई एम अ लव मैग्नेट, मैं अपनी लाइफ में प्यार को आकर्षित कर रहा हूँ। आप हिंदी में ऐसा अफर्मेशन दे सकते हैं। तो ऐसी अफर्मेशंस देकर भी आप उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने बेस्ट लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, अपने प्यार को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव विजुलाइज करना है आपको।
इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जरूरी नहीं है, हो सकता है अभी आपके योग ही नहीं बन रहे हैं कि कोई अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आए, तो उस सिचुएशन को सरेंडर कर दो, उसे बोलो कि यूनिवर्स ओके, जब मेरा सही टाइम आएगा मेरा सही पार्टनर मेरी लाइफ में होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस वक्त आप अपने काम पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो, कुछ बन के दिखाने पर फोकस करो। जो पार्टनर आना है वो उसी डिवाइन टाइम पर ही आपकी लाइफ में आने वाला है, तो उसके लिए आपको क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। तो ये थी एंजल एंसेस्टर गाइडेंस फॉर मेष राशि। मेष राशि, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको गाइडेंस कैसी लगी, कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरी दूसरी वीडियो आती है तो उसका मैसेज आप तक आ सके। थैंक यू सो मच।